हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। बहुत अच्छे से आज एक पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पनीर के मुगलई पराठे। पनीर के पराठे तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, खाए होंगे, खिलाए होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं आज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके से हम इसमें पनीर भरेंगे और देखिए कितनी अच्छे से इसमें ज्यादा से पनीर की स्टफिंग भरी है मैंने। तो देर क्यों करें, चले शुरू करते हैं इस मजेदार से मुगलई पराठों को बनाना। पराठे को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक कप मैंने लिया है गेहूं का आटा और एक कप मैंने लिया है मैदा। आप चाहें तो आप पूरा मैदे से बना सकते हैं, लेकिन टोटल आटे से मत बनाइएगा क्योंकि इसका टेस्ट मैदे से ही बढ़िया आता है। तो मैंने हाफ हाफ ले लिया है और अब इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून नमक और वन टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। बहुत ज्यादा मोइन नहीं डालना है। इसको मिक्स करते हैं और इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेते हैं पानी डालकर। रिफाइंड ऑयल हमने इसमें मिक्स कर दिया और ये देखिए हमने ये मच्छी के जैसा मोइन नहीं डाला है इसमें, बस थोड़ा सा डाल दिया जिससे हमारे पराठे बहुत ही खस्ता करारे बन के तैयार होंगे। अब इसमें पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। ये देखिए आटा हमने बिल्कुल सॉफ्ट लगा के तैयार कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रख देते हैं रेस्ट के लिए। और जब तक हम पराठे में डालने के लिए अपनी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं, पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है और ये हमारा घर का निकला हुआ पनीर है, क्योंकि हमें कद्दूकस करना था तो आप घर का भी पनीर आराम से यूज कर सकते हैं पराठे में। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज के प्याज को हमने बिल्कुल बारीक देखिए चॉप कर लिया है। प्याज को ऐड कर देते हैं। इसमें डालते हैं हम दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ज्यादा सा हरा धनिया और थोड़े से बेसिक मसाले, बहुत ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून से कम गरम मसाला पाउडर। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ये हमारी स्टफिंग बनके रेडी है। बहुत अच्छे ये पराठे बनेंगे और इस जिस तरह से हम स्टफिंग करेंगे पराठे में उससे क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पनीर स्टफिंग में डाल सकते हैं। एक बार जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स इस मेरी इस तरह के पराठे को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कर दीजिए, जिससे मेरी हर न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके फोन में हो। और ये देखिए बढ़िया सी कलरफुल स्टफिंग बनके रेडी है। और अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने मजेदार से मुगलई पराठों को बनाना। स्टार्ट करते हैं पराठे को बनाना। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा देखिए बढ़िया से सेट हो गया है। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और आटे को एक बार और चिकना कर लेते हैं। दो कप आटा और मैदा जो हमने लिया था, एक कप आटा और एक कप मैदा, उसमें हमारे ये 6 पराठे बनके रेडी होंगे। ये परफेक्ट नाप है हमारे डो का। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हमने लोइयां इसकी बना ली है। अब एक लोई को लेते हैं, सूखे मैदे में डस्ट करते हैं, आटे में मत डस्ट करिएगा, मैदे में ही डस्ट करिएगा और इसको बेल लेते हैं। इतना बड़ा बेलने के बाद हम इस पे लगाएंगे ऑयल, घी या बटर, जो चीज आपको लगाना है आप उस पे लगा सकते हैं। और थोड़ा अच्छे से हमें इस पे लगाना है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी सूखी मैदा है उसको अच्छे से इस पे हमें डस्ट करना है। इसको फोल्ड करते हैं और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं
ध्यान ये रखना है कि ऑयल हमारा पूरे पे अच्छे से फैल जाए। सूखा मैदा फ्रिज पे डस्ट करते हैं और इसको ट्रायंगल शेप दे देते हैं। अभी फिर से इसको सूखे आटे में डस्ट करते हैं और इसको बेलते हैं। ये देखिए, अब की बार हमने पहले से ज्यादा बड़ा बेला है और इस पे फिर से हम एक चम्मच ऑयल लेते हैं, इसको अच्छे से लगाते हैं पूरे में फैलाते हुए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। ऑयल हमने थोड़ा ही सा लिया है लेकिन इसको फैला हम अच्छे से देंगे। ये देखिए पूरे पराठे में, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अच्छे से हमने इस पे ऑयल को लगा दिया है, कोई भी जगह छूटी नहीं है। और अब फिर से इस पे हम सूखी हुई मैदा को डस्ट करते हैं अच्छे से और वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। इसको फोल्ड करते हैं, बहुत हल्का सा इस पे फिर से हम ऑयल लगाते हैं। थोड़ा सा ऑयल इस पे ज्यादा यूज होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये पराठा सच मानिए बहुत ही मजेदार बनके तैयार होता है। फिर से हमने इस पे सूखा मैदा डस्ट कर दिया और फिर इसको हम ट्रायंगल का शेप देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे फिर से हम सूखे मैदे में डस्ट करते हैं और इसको बेल लेते हैं। और ये देखिए, अब हमने अपने पराठे को फाइनली बेल लिया है। गैस पे हमने रखा है एक तवा और तवा भी गर्म हो चुका है। इस पे लगा देंगे हम बहुत थोड़ा सा ऑयल और जो ये हमने बेल के रखा हुआ है पराठे को हम तवे पर डाल देते हैं और एक तरफ से इसको हम सिकने देते हैं। पराठा हमारा एक तरफ से सिक गया है, पराठे को हम पलट देते हैं और थोड़ा सा हम दूसरे साइड से भी इसको सिकने देते हैं। हमारा दूसरे साइड से भी सिक गया है और अब हम इसकी जो ये परत है वो तवे पर ही खोलेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि पनीर की स्टफिंग बनाई थी और पनीर अभी तक अपने इसमें भरा नहीं है, तो पनीर भरने का टाइम अब आया है। हमने जो अंदर इतना सारा ऑयल लगाया था, ये देखिए एक परत को उठाएंगे और बहुत आराम से तवे पर ही हम परत को खोल देंगे पराठे की। ये देखिए इस तरह से हमने परत को खोल दिया है और आंच को हमने अभी इस समय बिल्कुल लो कर दिया है जिससे हमारा पराठा नीचे से ज्यादा सिके नहीं। इस तरह से फिलिंग भरने के दो फायदे होते हैं। एक पहला फायदा ये कि बहुत लोगों को पनीर सिका हुआ नहीं अच्छा लगता है, कि अगर हम बेलने के समय ही पनीर भर देते हैं तो वो सिक जाता है पहले से। और दूसरा फायदा ये कि हम अपने पसंद से जितना हमको मन है हम ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। बेलते समय हम एक लिमिट में स्टफिंग कर पाते हैं क्योंकि बेलने में फिर हमको प्रॉब्लम होती है। ये देखिए हमने अच्छे से पराठे में पनीर और प्याज की स्टफिंग को भर दिया है और वापस से ये जो हमने ये परत खोली थी इसको हम कवर कर देंगे और हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए, और अब हम इस पे डालेंगे ऑयल, पराठे को हम पलट देते हैं और दोनों तरफ से लाल होने तक अच्छे से इसको हम सेक लेंगे। आंच को अब हमने मीडियम पे कर दिया है। अब हम पलट के पराठे को दूसरे तरफ से भी सेक लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है पराठे पर सिकते हुए। जरूर से एक बार इस तरह से मुगलई पनीर पराठे को बनाइएगा और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे इस तरह से पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी। पराठे तो पनीर के बहुत तरीके से आप लोग बनाते होंगे, बहुत तरीके से खाए होंगे, लेकिन इस तरह से स्टफिंग भर के पराठे जरूर से एक बार ट्राई करिएगा। इसको हम सेक लेते हैं। ये देखिए पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक कर रेडी है। इस पराठे को हम निकाल लेते हैं प्लेट में और बाकी के पराठे भी हम अपने सेक के तैयार कर लेते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये पराठा। और अब हम दूसरा पराठा तवे पर डालते हैं और इसी तरह से परत खोल के स्टफिंग भर के हम इस अपने पराठे को रेडी कर लें। दूसरा पराठा भी हमारा एक तरफ से सिक गया है, हमने इसको पलट दिया है और इसकी भी परत हम उसी तरह से गैस पर खोलेंगे। ये देखिए, और अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा या कम पनीर आपको भरना है इसमें भी हम भर लेते हैं। इसको ढक देते हैं और इसको साइडों से हम दबा देते हैं जिससे हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। इस पे डालते हैं ऑयल और इसको अलटते पलटते हुए करारा होने तक पराठे को सेक लेते हैं। और ये लीजिए, तैयार है मजेदार से पनीर के मुगलई पराठे। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा पनीर के पराठों को इस तरह से बनाना। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा इस तरह से पराठे जब आप बनाएंगे और खिलाएंगे। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार, थैंक यू।